संदीप सर का जीके खजाना भूल न जाना आना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो एग्जामिनेशन, चाहे आप किसी भी कम्पिटेटिव लेवल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, SSC, रेलवे, पुलिस, SI, किसी भी कम्पिटेटिव लेवल एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर GK से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमारी ये 15 से 20 मिनट की क्लास, जिससे 8 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में 100% मिलते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विश्व की प्रमुख जल संधियाँ, मेजर स्टेट ऑफ वर्ल्ड, और संदीप सर का GK खजाना भूल ना जाना आना। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो देख लिया, मान लीजिए अगर आपने ये वीडियो देख लिया, 15 से 20 दिन भी देख लिया, 15 से 20 क्लासेस देख ली, तो विश्वास कीजिए कम से कम 4 से 5 नंबर ऑटोमेटिकली आपके बढ़ जाएंगे GK में। और अगर आपने 50 से ज़्यादा वीडियोस देख ली, तो मुझे विश्वास है कि 10 से 12 क्वेश्चन हर एक एग्जामिनेशन में जो कि GK से रिलेटेड है, तो वहाँ पर आपको इस क्लास से मिलने वाले हैं। तो संदीप सर का GK खजाना भूल ना जाना आना में आज का जो टॉपिक है वो है विश्व की प्रमुख जल संधियाँ, मेजर स्टेट ऑफ वर्ल्ड। तो जल संधियाँ किस किस के बीच में, कौन सी जल संधि हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सअप के स्टडी ग्रुप्स चैनल पर अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। जितना अधिक आप शेयर करेंगे उतना ही अधिक मुझे मोटिव मिलता है और मैं आपके लिए उतनी अधिक वीडियोज़ लाता रहूँगा। और ये सेशन हम ख़त्म नहीं करने वाले, चाहे संडे हो चाहे मंडे, वीक के सातों के सातों दिन ये क्लास आपके लिए आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को, अपनी जो विश्व की प्रमुख जल संधियाँ हैं, मेजर स्टेट ऑफ वर्ल्ड हैं, उनसे। तो पहली जल संधि है, उसको स्टार्ट करते हैं। पहली इधर लिख रहा है जल संधि स्टेट, जिसको जोड़ती है, दैट कनेक्ट्स, और प्लेस स्थिति, यानी कि कहाँ पर है ये जल संधि। तो दोस्तों पहली है मैगलन जल संधि, मैगलन जल संधि, ये कहाँ पर है, ये किस किस को जोड़ती है, प्रशांत महासागर एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, यानी कि पैसिफिक ओशियन और साउथ अटलांटिक ओशियन को ये जोड़ती है। कौन सी जल संधि, मैगलन जल संधि, मैगलन जल संधि किसको जोड़ती है, प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कहाँ स्थित है ये, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछने को आ जाता है, स्थित कहाँ है मैगलन जल संधि, कहाँ स्थित है, तो ये आपको पता होगा चिली में स्थित है। नेक्स्ट है अपना पाक जल संधि। अब पाकिस्तान का नाम तो आपने सुना ही होगा, मेरा मन तो नहीं होता कि नाम भी लिया जाए, लेकिन क्या करूं, हमें तो एक नंबर चाहिए ना, तो हमें तो पढ़ना पड़ेगा, नाम भी लेना पड़ेगा। तो पाक जल संधि ये कहाँ है, मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी में स्थित है, माफ़ कीजिए, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। जो पाक जल संधि है वो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ मन्नार एंड बे ऑफ बंगाल को जोड़ती है। कहाँ पर स्थित है ये, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। तो आपको मैं दिखा भी सकता हूँ, देखिए ये है आपका श्रीलंका, अच्छा जी, इस साइड में ऊपर जाके राजस्थान गुजरात साइड में जाके यहाँ पर है, इस जगह पर है पाकिस्तान का निचला स्तर, और इस जगह पर ये है आपकी, इस जगह पर है बंगाल की खाड़ी, और यहीं है गुल्फ ऑफ मन्नार, ये रहा गुल्फ ऑफ मन्नार, और ये इसको क्या करती है, जोड़ती है। नेक्स्ट आपके लिए हर एक क्वेश्चन के साथ मैंने मैप लिया है, जिससे आपको समझ में आ सके। तो नेक्स्ट है सुसीमा जल संधि। आपको सुसीमा याद हो सकता है, जैसे आपने एक नाटक देखा होगा, सम्राट अशोक नाटक आता था कलर्स TV पर, अगर आपने देखा है, देखा होगा, मुझे लगता है देखा होगा, क्योंकि आप देखते जरूर होंगे उसे, बहुत अच्छा नाटक था सुसीम, तो उसी में नाम आता था सुसीम, तो वहाँ से याद कर सकते हैं आप सुसीमा जल संधि। ये किस किस को जोड़ती है, जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है, जापान सी एंड ईस्ट चाइना सी को जोड़ती है। कहाँ पर स्थित है, जापान में स्थित है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये रहा आपका जापान, और ये है आपका साउथ कोरिया, और यहाँ पर है चाइना, ये क्या है, चाइना, तो ये है ईस्ट चाइना सी, ये वाला जो सी है वो है ईस्ट चाइना सी, और ये है जापान का सी, इन दोनों को जोड़ने वाली संधि क्या कहलाएगी, सुसीमा जल संधि कहलाए
और इस जगह पर आप देख सकते हैं यह है फिलीपींस का सी, यह है फिलीपींस का सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट। अच्छा आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ, यहाँ से आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि जापान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिनसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले हैं। चलिए तो नेक्स्ट नेक्स्ट है अपना बाब एल मंडप जल संधि, बाब एल मंडप जल संधि। अब देखिए बाब एल मंडप जल संधि ये किस किस को जोड़ती है, ये जोड़ती है लाल सागर को और अरब सागर को, यानी कि रेड सी को और अरेबियन सी को जोड़ती है। कहाँ पर स्थित है ये हमें पता होना चाहिए, यमन और जिबूती में स्थित है। कहाँ? यमन और जिबूती में स्थित है। लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है कौन सी जल संधि? बाब एल मंडप जल संधि। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह आपका यमन, ये आपका यमन, और यहाँ पर ये रहा बाब एल मंडप जल संधि, ये इसको जोड़ रही है यहाँ से लाल सागर और अरब सागर को, इधर लाल सागर और ये अरब सागर को, दोनों को जोड़ रही है। नेक्स्ट है अपना, माफ़ कीजिए यही रिपीट हो गया। नेक्स्ट है बॉस, बॉस जल संधि कहाँ पर स्थित है? तो बॉस जल संधि किस किस को जोड़ती है? तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ती है। बॉस जल संधि किसको जोड़ती है? तस्मान सागर को और दक्षिण सागर को जोड़ती है। तस्मान सी एंड साउथ सी दोनों को जोड़ने वाली कौन सी है? बॉस जल संधि। कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बॉस जल संधि तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ती है जो कि कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आप यहाँ से देख सकते हैं, तो यहाँ से इसमें आपको नाम वगैरह तो नेमिंग वगैरह तो आपको शो नहीं हो रही होगी क्योंकि इसका फिगर थोड़ा सा अच्छा नहीं आया है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो नेमिंग वगैरह आ नहीं रही है नीले की वजह से, कलर की वजह से नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ती है कौन सी? बॉस जल संधि जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ये रही बॉस जल संधि। आप इस तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट है अपना बेरिंग जल संधि। नेक्स्ट क्या है? बेरिंग जल संधि ये बेरिंग सागर और चुकसी सागर को जोड़ती है। बेरिंग सी और चुकसी सी को जोड़ती है, किस किस को जोड़ती है? बेरिंग सी और चुकसी सी को जोड़ती है। कहाँ पर स्थित है? अलास्का रूस में स्थित है। आपने अलास्का का नाम सुना होगा, देखिए अलास्का और ये कहाँ पर बताया इन्होंने? रूस में, तो आपको फिगर के अंदर दिख रहा है। और अलास्का की पहाड़ी आपने सुनी ही होगी, अलास्का पर्वत का नाम तो सुना ही होगा, कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो अलास्का की पहाड़ी, अच्छा जी, तो बेरिंग जल संधि किस किस को जोड़ती है? बेरिंग सागर और चुकसी सागर को जोड़ती है जो कि अलास्का रूस में स्थित है। आप यहाँ से देख सकते हैं पैसिफिक ओशियन और ये रहा बेरिंग सी, तो इन दोनों को जोड़ने वाली ये रही, ये वाली जो लाइनिंग वगैरह दिख रही है वो है आपकी बेरिंग जल संधि। नेक्स्ट है दोस्तों, तो इतने ही थे। हाँ, कमेंट्स एंड एडवाइस आर आल्सो इनवाइटेड। आप कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स अच्छे कमेंट कीजिए, थोड़ा सा गलत ना लिखिए क्योंकि अगर गलत लिखते हैं तो थोड़ा सा डिमोटिवेट होना, एक मोटिवेशन से दिमाग अलग हो जाता है भाई, आपके लिए इतनी मेहनत करके हम लाते हैं और आप उस पर कमेंट थोड़ा सही ना करें तो वो अच्छी बात नहीं है। मेरी पिछली वीडियो थी उसमें एक कमेंट था, कमेंट तो मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा पर कोई दिक्कत नहीं, तो कमेंट थोड़ा सा सही कीजिएगा, जब भी कमेंट करें तो सही कीजिएगा। मैं आपके लिए जब वीडियो लेके आ रहा हूँ तो थोड़ा कमेंट सही कीजिए, मेरा कहने का मतलब ये है। तो कमेंट्स एंड एडवाइस आर आल्सो इनवाइटेड, प्लीज़ पोस्ट योर मोटिवेशनल कमेंट। अगर आप पोस्ट करते हैं अपनी मोटिवेशनल कमेंट, कोई भी अपने थॉट्स लिखते हैं या कोई पंक्ति वगैरह कविता के रूप में लिखते हैं, पोइम के रूप में लिखते हैं, तो मैं उसे आप वीडियो के अंदर ज़रूर दिखाऊंगा। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि ये किस किस को जोड़ती है? बेफिन खाड़ी को और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। बेफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि क्या कहलाती है? डेविस जल संधि कहलाती है। कहाँ स्थित है? ग्रीनलैंड और कनाडा, ग्रीनलैंड कनाडा में स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्रीनलैंड कनाडा में। तो आप यहाँ से देख सकते हैं बेफिन आइसलैंड, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो पार्ट दिख रहा है ये है बेफिन आइसलैंड, और ये जो पार्ट दिख रहा है वो है ग्रीनलैंड जो कि कनाडा में स्थित है। तो बेफिन आइसलैंड ये रहा और ये रहा तुम्हारा डेविस जल संधि, डेविस स्टेट ये रही
और बेफिन आइसलैंड ये रही, और आप यहाँ से देख सकते हैं अटलांटिक ओशियन ये रहा। तो यहाँ से देखिए बेफिन आइसलैंड और अटलांटिक ओशियन को, बेफिन आइसलैंड और अटलांटिक ओशियन को जोड़ने वाला क्या हो गया, डेविस स्ट्रेट हो गई, डेविस जलसंधि हो गई। इसकी लंबाई दे रखी है 1585 किलोमीटर। इस तरीके से देखोगे तो 1585 और इधर से देखोगे तो 1587 किलोमीटर। नेक्स्ट है अपना डेनमार्क जलसंधि, डेनमार्क जलसंधि। तो डेनमार्क जलसंधि किस किस को जोड़ती है, उत्तरी अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। डेनमार्क जलसंधि उत्तरी अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और आर्कटिक अटलांटिक ओशियन। दोस्तों मैं दो से तीन बार किसी किसी क्वेश्चन को बोल देता हूँ, तो इसका मतलब है कि अगर बाई चांस अगर आपको एक बार में सुन ना पाएँ तो दोबारा रिपीट हो जाए, प्रोनंसिएशन में अगर कोई गड़बड़ है तो आपको दोबारा में मालूम चल जाए। तो ये कहाँ पर स्थित है, इंग्लैंड और फ्रांस में स्थित है। तो मैं आपको दिखाई देता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको पता लग जाए। देखिए उत्तरी अटलांटिक सी, तो ये रहा आपका नॉर्थ सी, ये रहा आपका नॉर्थ सी, और दूसरा है आर्कटिक ओशियन। तो आर्कटिक ओशियन आप यहां से देख सकते हैं, ये है अटलांटिक ओशियन, ये है नॉर्थ सी और ये है नॉर्थ वेन सी। तो इनको जोड़ने वाला क्या है, तो आप इसमें देख लीजिएगा, तो डेनमार्क और उत्तरी अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ने वाली जलसंधि क्या कहलाती है, डेनमार्क जलसंधि कहलाती है। नेक्स्ट है अपना फ्लोरिडा, फ्लोरिडा आपने सुना भी होगा, फ्लोरिडा के जंगल इस तरीके से सुना होगा। तो फ्लोरिडा जलसंधि क्या है, मैक्सिको की खाड़ी और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को जोड़ती है, जो कहाँ स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा में स्थित है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा में स्थित है। आप यहाँ से देख सकते हैं बरमूडा ट्रायंगल, आपने बरमूडा ट्रायंगल, और यहाँ पर ये रहा फ्लोरिडा जलसंधि, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको जी, ये रहा आपका बरमूडा, ये है कैरिबियन सी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है अपना हडसन, हडसन जलसंधि कहाँ है, हडसन जलसंधि। नेक्स्ट तो ये किस किस को जोड़ती है, हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, और कनाडा में स्थित है, कहाँ स्थित है, कनाडा में। तो ये देखिए आप गल्फ ऑफ मैक्सिको, पैसिफिक ओशियन, यहाँ से देख सकते हैं अटलांटिक ओशियन है, ये है आर्कटिक ओशियन, और ये है आपका हडसन बे, हडसन बे। नेक्स्ट जिब्राल्टर जलसंधि, जिब्राल्टर जलसंधि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक ओशियन को जोड़ती है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, कौन सी, जिब्राल्टर सी, जिब्राल्टर स्टेट जलसंधि। तो ये कहाँ स्थित है, स्पेन और मोरक्को में स्थित है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये है जिब्राल्टर यूनाइटेड किंगडम में, यहाँ है ये मेडिटेरियन सी और इधर है अटलांटिक ओशियन। तो अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन सी, इन दोनों को जोड़ने वाली कौन सी है, जिब्राल्टर जलसंधि कहलाती है, ये रही आपकी, स्पेन और मोरक्को में स्थित है, ये रहा आपका मोरक्को और ये रहा स्पेन, ये स्पेन है, ये मोरक्को, इन दोनों को जोड़ रही है ये। नेक्स्ट है अपना कोरिया, तो कोरिया के बारे में बात करते हैं, तो जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है, कोरिया किसको जोड़ती है, कोरिया जलसंधि जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है, जो कि जापान और कोरिया में ही स्थित है। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये चाइना है, ये साउथ कोरिया है और ये जापान है। तो जापान और कोरिया दोनों को जोड़ने वाली कौन सी हो गई, कोरिया जलसंधि। नेक्स्ट, तो जो कल के क्वेश्चन थे मैंने आपके लिए दिए थे कमेंट बॉक्स में, मुझे उम्मीद है कि आपने आंसर लिखे होंगे, अगर आपके आंसर सही हैं तो आप चेक कीजिए यहाँ पर सही या गलत हैं। तो कल का क्वेश्चन था सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, मैं पर डे 3 से 4 क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ, जिसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखने होते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे भी बताता हूँ आपको, और कुछ मीठा हो जाए कुछ अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ। तो सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, पहला क्वेश्चन है उसका, तो सी सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ, तो राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा में, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यह भी क्वेश्चन आपको मिला था, विच बॉर्डर लाइन सेपरेट इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, कौन सी सीमा रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है? तो मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, 17वीं समांतर रेखा और दूरंत लाइन। तो इसका आंसर है रेडक्लिफ लाइन, रेडक्लिफ लाइन यानी कि रेडक्लिफ रेखा। और मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन को जोड़ती है, मैकमोहन रेखा किसको जोड़ती है? भारत और चीन को जोड़ती है। नेक्स्ट, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो इसके ऑप्शन थे नेपाल, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। किस देश की के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। बांग्लादेश कहाँ है? इंडिया का अगर आप मैप देखेंगे तो सबसे ऊपर क्या है? नॉर्थ, नीचे देखोगे तो साउथ, और गुजरात साइड में देखोगे तो वेस्ट, और मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, कोई इस तरफ देखोगे तो ये बांग्लादेश पड़ता है वहीं पर। और यहाँ एक नदी आती है बांग्लादेश से होकर जाती है, तो आप उसका नाम जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज नेबर कंट्री विथ मिनिमम एरिया एज, न्यूनतम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? यानी कि न्यूनतम क्षेत्र वाला, जिसका क्षेत्रफल कम हो और वो भारत का पड़ोसी देश हो, वो बताना है हमको। तो भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश तो भूटान से बड़ा है, श्रीलंका भी बड़ा है, श्रीलंका और नेपाल भी बड़ा है, तो इसका आंसर क्या हो गया? भूटान हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट है द लार्जेस्ट हर्बेरियम इज ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन है कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और कोयम्बटूर। तो इसका सही उत्तर है कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के पानी के माध्यम से शीर्ष मिट्टी से अब भूमि तक खनिजों का रूपांतरण कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है लीचिंग कहा जाता है, यानी कि मिट्टी के पानी के माध्यम से शीर्ष मिट्टी के अब भूमि में तक खनिजों का रूपांतरण स्थानांतरण क्या कहलाता है? लीचिंग कहलाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह के नीचे पिघले हुए चट्टान को कहा जाता है? पृथ्वी की सतह के नीचे पिघले हुए चट्टान को कहा जाता है मोल्टन रॉक, बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा। क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। पृथ्वी की सतह से निचले नीचे पिघले हुए चट्टान को कहा जाता है मैग्मा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपके लिए हैं, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने होंगे। तो सरिस्का और रणथंबोर आर रिजर्व ऑफ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, सरिस्का और रणथंबोर निम्नलिखित में से किसका रिजर्व है? शेर का, हिरण का, बाघ का और भालू का। आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, कल मैं जब जैसे ही वीडियो लाऊंगा तो आपको बता दूंगा इसका आंसर। क्वेश्चन है नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट सी बीच इन इंडिया इच, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है? तो चापोरा समुद्र तट, दीव समुद्र तट, अक्सा समुद्र तट और मरीना समुद्र तट। मरीना बीच, अक्सा बीच, ड्यू बीच और चोपड़ा चापोरा बीच, इसका भी आंसर लिखिएगा। और आज का है डेजर्ट ऑफ द डे, आज का हमारा जो टॉपिक है हमने लिया है 1948, 1948 की खास खास बातें क्या हैं वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1948 का सत्र जयपुर में आयोजित किया गया था। सत्र की अध्यक्षता पट्टाभि सीतारमैया ने की थी। तो 1948 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन से, ये पूछने को आ सकता है, 1948 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभि सीतारमैया थे। अच्छा जी, कब हुआ था? 1948 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे पूछने के लिए। नेक्स्ट है, 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के एक बड़े हवेली बिरला हाउस, अब गांधी स्मृति के परिसर में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका आंसर। और ये आपका क्वेश्चन हो गया, 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में एक बड़े हवेली बिरला हाउस, अब गांधी स्मृति के परिसर में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। किसमें? हवेली बिरला हाउस में। नेक्स्ट है, 1947-1948 का भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसे कभी कभी प्रथम कश्मीर युद्ध के रूप में जाना जाता था,
1947 से 1948 तक जम्मू और कश्मीर की रियासतों पर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1948। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। 1948 में जिनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के एक सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की स्थापना हुई। यानी कि अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? IMO का हेडक्वार्टर, तो IMO का हेडक्वार्टर इसने दे रखा जिनेवा में है। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसकी फुल फॉर्म है IMO की। तो WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट है 1819, स्कॉटिक आविष्कारक जेम्स वॉट का निधन हुआ। 1819 में स्कॉटिक आविष्कारक जेम्स वॉट का निधन हुआ था। 1819 स्कॉटिश इन्वेंसर जेम्स वॉट डाइड, ये आप इनका फोटो है। नेक्स्ट महान शख्सियत हैं। 1867 भारतीय भौतिकी विज्ञानी और रसायन शास्त्री माइकल फेराडे का निधन हुआ। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। माइकल फेराडे का नाम आपने सुना होगा, अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, 8th चैप्टर है मैग्नेट का, 12th क्लास में फिजिक्स के अंदर। 1867 भौतिकी विज्ञान और रसायन शास्त्री माइकल फेराडे का निधन हुआ था। नेक्स्ट, चांद पर कदम रखने वाले दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग का निधन 2012 को हुआ था। यानी कि चांद पर सबसे पहले जिसने कदम रखा था वो रखा था 2012 में। किसने रखा था सबसे पहले? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। निधन कब हुआ था? 2012 में हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 5 अगस्त 1930 को हुआ था। नेक्स्ट, भारत का पोलो विश्व विजेता, भारत पोलो का पोलो विश्व विजेता 1975 में बना। तो पूछने को आ सकता है इंडिया बिकेम पोलो वर्ल्ड चैंपियन इन 1975, भारत पोलो विश्व विजेता कब बना? तो इसका सही आंसर है 1975 में भारत पोलो का विश्व विजेता बना। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको आंसर बता देता हूं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आज का सेशन 20 से 25 मिनट का सेशन है, बहुत मज़ेदार सेशन है। और अगर आपने 50 दिन इसे देख लिया तो आपकी GK बेस्ट हो जाएगी, मुझे उम्मीद है। और एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, लगभग 5 वीडियो से एक क्वेश्चन आई, 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं लगभग। अभी FCAT का एग्जामिनेशन हुआ था हाल ही में, तो उसमें 10 से 12 क्वेश्चन इसी क्लास से आ रहे थे। तो ये तो लक वाली बात बोल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत अच्छी क्लास हो रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप्स में अधिक से अधिक लोगों के साथ, ये जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि मेरा काम है पढ़ाने का और मैं वो काम अपनी मेहनत में कहीं भी कसर नहीं छोड़ रहा हूँ। लेकिन आपको भी जिम्मेदारी उठानी है, कम से कम 10-12 लोगों को शेयर करना है, स्टडी ग्रुप्स ग्रुप्स में शेयर करना है। आपको एक ग्रुप में शेयर करेंगे 200 लोगों के पास वैसे ही पहुंच जाएगी, तो आपको बस शेयर करना है व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप्स में। अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, जितना अधिक आप शेयर करेंगे उतनी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं पर डे आपके लिए लाता रहूँगा। अगर मेरे को लगा कि आप मेरे लिए शेयर कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवा रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं मैं और क्लासेस लेके आऊँगा, और अच्छी से अच्छी क्लासेस, और इसके पैरेलल में 2-3 क्लासेस और स्टार्ट कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। टेक केयर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत।